हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि हमने उसमें अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अपग्रेड किया था, और आज की इस वीडियो में हम ऑफिस के कुछ टास्क करने वाले हैं एंड मैंने एक गेम देखी, हम लोग उसको भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो गाइस, इसलिए आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अपने चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लो और अब चलते हैं सीधा अपनी फर्स्ट लोकेशन में। हम लोग इस गाड़ी में बैठते हैं और गाइस, मैंने इस गाड़ी को ना मतलब फुल अपग्रेड कर लिया है। पहले ने थोड़े से अपग्रेड किया था, लेकिन अब मैंने इसको फुल अपग्रेड कर लिया है। हम फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं सीधे ऑफिस में। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, उसमें थोड़े से स्पीड भी दिखा देता हूँ और आप चेक कर सकते हो। एकदम से ही इसने 100 स्पीड पकड़ भी लिए और अब सीधा यहाँ गाड़ी पकाते हुए वहीं पर चलता हूँ। और ये आप चेक कर सकते हो, 180 में चले गई। पहले से भी 190 जाती थी, 203 स्पीड हो गई है, 211, 212, 240 आराम से ना, अभी 250 जाती है आराम से। एक काम करते हैं, हम सीधे से चलते हैं ऑफिस में। और ये लेफ्ट नहीं ऑफिस है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्की कर लो गाड़ी, और यहाँ पे हल्की कर ली मैंने। एक काम करते हैं, सीधा यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं और गाड़ी को लॉक करके ना चलते हैं सीधे अंदर। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का लिखा हुआ आता है, इसके अंदर जाना होता है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे दूसरा वाला टास्क को देना है और गाइस चेक कर सकते हो, ये हमें टास्क दे दिया है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टास्क थे। गाइस, सबसे आसान वाला लग रहा है रिपेयर 2 अदर व्हीकल्स का, ये वाला हम लोग कर लेते हैं। और कंप्लीट बैटल पास टास्क, ये वाला हमें देखना पड़ेगा। और ये हम लोग ये तीन कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ना पहले इसका वो ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग चलते हैं सीधा नीचे अपनी गाड़ी के पास, यहाँ पे एग्जिट पे जाते हैं। और ये हमारी खड़ी हुई गाड़ी, हम सबसे पहले ना एक काम करते हैं, बैटल पास वाला टास्क कर लेते हैं। उसके लिए मैंने खोला एम दबाया और यहाँ पर बैटल पास में जाकर, और यहाँ पर एक टास्क होगा कॉल ट्रांसपोर्ट इन द पार्किंग लॉट। गाइस, इस तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। और यूज़ एन ATM, एक काम करते हैं, हम यूज़ एन ATM वाला टास्क कर लेते हैं, हमारे लिए अच्छा है। और ATM मुझे कहाँ मिलेगा वही देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ATM जो है इधर होगा, इधर चलते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, हम अपनी गाड़ी भगा के ATM के पास पहुँच तो गया हूँ। हमें देखना पड़ेगा वो टास्क कंप्लीट हुआ तो हमारे अकाउंट में हो जाएंगे पूरे, मेरे ख्याल से 30,000 हो जाएंगे, पता नहीं है मुझे। और अभी हम लोग करते हैं, यहाँ पे ATM था, इसको हम लोग की दबाते हैं। और गाइस, हमारे शायद हो गए, गाइस देख सकते हैं हमारे पास 26,000 हो गए, 30,000 नहीं हुए, 5,000 चाहिए होंगे हम। उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, एक था हमारे पास, दो गाड़ी रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हमें ना उसके लिए जाना पड़ेगा गैस स्टेशन और लेनी पड़ेंगी दो रिपेयर किट। एक रिपेयर किट थी वो मैंने गाड़ी में यूज़ कर लिया, हमें दो रिपेयर किट एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी। ओके गैस, तो मैं अपने गैस स्टेशन के पास पहुँच गया हूँ। हमें काम करते हैं, सीधे अंदर लगाते हैं गाड़ी और यहाँ पे ई दबाने का ऑप्शन आएगा, ये आ गया हमारे पास ई दबाने का ऑप्शन। हमें काम करते हैं, तीन रिपेयर किट लेने थे, वो हम लोग दो अपनी गाड़ी में, एक अपनी गाड़ी में यूज़ कर लेंगे और फ्यूल को भी मैक्स करवा लेते हैं। 2,000 का खर्चा कोई बात नहीं, हमारा मसला सही हो जाएगा, 10,000 रुपये मिलेंगे। और अभी हमें ना कोई दो गाड़ी को रिपेयर करना पड़ेगा, उसको रिपेयर कर दें जो आ रही है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कोई यहाँ पे जो आ रहा है ना, उसको रिपेयर करते हैं इसकी गाड़ी को। और यहाँ पे जा के जल्दी 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 इसकी हमने गाड़ी को रिपेयर कर दिया और ये चला गया भाई साहब। चलो गाड़ी मेरे ख्याल से रिपेयर तो हो गई है गाड़ी, और अब हम लोग जल्दी से बैठते हैं इसकी अपनी गाड़ी में। और हम लोग एक और गाड़ी भी ढूंढते हैं, दूसरी गाड़ी हमें कहीं रोड पे मिलेगी तो हम उसको रिपेयर कर देंगे। और अभी देखते हैं हमें तो, अरे एक और गाड़ी आ गई, हम लोग उसको भी रिपेयर कर लेते हैं। जल्दी 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 जल्दी, अंदर ही जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। अरे 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 भाई, क्या ऐसी गाड़ी है इसकी, जल्दी 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 इसकी गाड़ी को रिपेयर कर लेंगे, पैसे मिल जाएंगे। और पैसे मिले, ओ गाइस पैसे मिल गए, मैं 35,000 हो गया, वो थैंक यू कह रहा है। चलो कोई मसला नहीं है, अब हम लोग काम करते हैं सीधा। हमें ढूंढने पड़ेंगे 100 कॉपर, और हमें 100 कॉपर के ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हमें क्वारी में, मतलब माइनिंग टाइप है उसका, मतलब वही है। हम लोग यहाँ पे माइनिंग करने चलते हैं, पेट्रोल भी हमने फुल करा लिया है। काम करते हैं, हम लोग ना अपनी गाड़ी को वो भी कर लेते हैं, रिपेयर भी कर लेते हैं। अब निकलते हैं इस गाड़ी में और मैं आपको इसी बहाने ना वो दिखा दूंगा, स्पीडिंग टेस्ट करवा लूंगा गाड़ी की कि कितनी स्पीड में ये भागती है। और अभी हम लोग गाड़ी में सीट बेल्ट भी लगा लेते हैं और अब हम लोग चलते हैं सीधा हाईवे की तरफ। ओके गाइस, तो मैं अपने हाईवे के पास पहुंच गया हूं और हमारे हाईवे की एंट्रेंस यहीं से होने वाली है। यहाँ से मोड़ता हूँ लेफ्ट, और गाइस आप चेक करना कि मेरी कितनी गाड़ी 0 to 100 होने जा रही है और मेरी टॉप स्पीड कितनी है, बाकी मैं चलाने में ध्यान रखूँगा। और 3 to 1 गो, और गाइस चेक कर सकते हो, ये हमारी हो गई 100 स्पीड और हमारी हो गई 150 स्पीड, और ये हमारी हो गई 200 के आसपास स्पीड हो चुकी है, और 290 कुछ चल रही है, 200 हो गई, और 201 206। ओ भाई ये बंदे को मैं मार देता भाई, ये क्या कर रहा है बीच में। और गाइस इसको चेक करो भाई, अपनी गाड़ी कैसे भगा रहा है एम्बुलेंस वाला। अरे 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 भाई, बच गई भाई मेरी गाड़ी, तो पता नहीं कैसे होती लेकिन बच गई। एक काम करते हैं भाई, इसके भी चलते हैं। और गाइस हमारे, हमने ना ऑफिस का दो टास्क कर लिए और हमारा, मेरे ख्याल से हम लोग आखिरी टास्क जो है वो कर सकते हैं।
बताइए कैसे भगा रहा है भाई, उससे डर लग रहा है। मैं काम करता हूँ तो साइड से ही भगा लेता हूँ वरना इसका हो जाएगा। गाइस तुमने उसको पीछे कर दिया, वो भाई भगाते वाला आगे आगे आ रहा है। बस हमारी सही स्पीड चलती है भाई, हमारी गाड़ी की गाड़ी टूट गई भाई साहब। यार ये तो हमारे साथ बहुत गलत सीन हो गया, हमें ना ऐसे आगे जाना पड़ेगा। और मेरी गाड़ी हेल्दी बहुत लो हो गई है, काम करता हूँ ना सिल्वर लगा लेता हूँ वरना मैं भी ना उड़ते हुए चले जाता। और हम लोग ना इसके साथ ऊपर चलते हैं क्योंकि हमें ऊपर से रास्ता मिलने वाला है जो मैंने लास्ट टाइम गया था। और इसके पीछे भी चलते हैं भगाते हुए गाड़ी फिर से देखता हूँ भाई। पता भाई पूरी गाड़ी भगा रहा है भाई, ऊपर डाल दी मैंने भी गाड़ी। और भाई वो देखो भाई कहाँ कहाँ चला रहा है भाई साहब, ये कहाँ भगा ली इसने गाड़ी अपनी। ये मेरे पास गाइस असल में ना लेवल 2 के पिकैक्स है, शायद मैंने लेवल 2 के पिकैक्स खरीदी थी। और गाइस ये रही हमारी लेवल 2 के पिकैक्स। अभी हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से ना यहाँ उतर के शुरू करते हैं अपनी माइनिंग। ओके गाइस तो मैंने अपनी गाड़ी ना वहाँ खड़ी कर दी और मैंने ना थोड़ा सा अभी ग्राइंडिंग की थी। और मेरे पास हो गए 45 कॉपर, अभी हमें ना 50 और करने हैं। और जल्दी से हम लोग करते हैं फटाफट से वो, ये मैंने किया ही होल्ड। यहाँ पे ना असल में कुछ करना नहीं होता, बस ही होल्ड करना होता है और हमारा जो बंदा है वो खुद ही हमारे लिए कॉपर ढूंढेगा। हम फटाफट से ना ये करते हैं। ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ना 5-10 मिनट से ज़रा ये कॉपर ढूंढ रहा था। और देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमें, यार इसने भी काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक सेकंड ना दिखा देता हूँ आई दबाकर, ये मैंने दबाया आई और हमारे पास ना 71 ये हो गए कॉपर और हमारे पास 3 हो गए एमरल्ड। अब फटाफट से ना हमें और ग्राइंड करना पड़ेगा, सिर्फ 100 तक करना है, फिर हमें 10,000 रुपये और मिल जाएंगे। अब हम आपको दिखाऊंगा फैमिली का हाउस। ओके गाइस तो हम लोग फाइनली ना 100 के करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देखो 92 हमारे पास कॉपर हो गए और 5 इसको मिला के 92 93 94 95 96 97 हो गए। हमें सिर्फ ना 3 और चाहिए, हम लोग फटाफट से वो ढूंढते हैं। गाइस तो फाइनली हमारे हो गए 46,195। आप देख सकते हो हमारे पास पूरे 50,000 के आसपास पैसे हो चुके हैं। हमने मतलब पूरे टोटल हमने 3 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग फटाफट से चलते हैं अपनी गाड़ी में। ये मैंने कि हम लोग अपनी गाड़ी को अनलॉक गनी गलती से क्लोज कर दी, ये हो गई अनलॉक। और गाइस हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने गैंग में। पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, जो हमारी मिस्टीरियस गैंग है, मिस्टीरियस गैंग में यूँ बोल रहा हूँ अपने गैंग को क्योंकि गाइस वो एक फैमिली है, उसको हमने नाम दिया हुआ है गैंग, तो वो बस इतनी सी बात थी जो मैं उसको मिस्टीरियस गैंग वाले बोल रहा था। और गाइस गैंग का नाम मैं अगर आपको बताऊँ तो गैंग का नाम मैं आपको उसके हाइड आउट बताऊँगा, मतलब उसके घर पे ही बताऊँगा। फटाफट से ना चलते हैं अपने गैंग के घर पे। हेलो गाइस तो मैं अपने ना गैंग के हाइड आउट के पास पहुँच चुका हूँ और मैंने यहाँ पे ज़रा आपको बताने के लिए गाड़ी यहाँ पे थोड़ी सी खड़ी कर ली थी। और यहाँ से हमने ना सीधे जाते चाहते हैं और यहाँ पे राइट से जाके सीधा लेफ्ट पे आके ना हमारा हाइड आउट आता है। मैंने हाइड आउट बताऊँ नहीं उसको बोल रहा हूँ ऐसे, ये तो हमारा घर है गैंग का घर, फैमिली हाउस कहते हैं इसको। और गाइस ये देखो हमारे गैंग के बंदे यहीं खड़े हुए हैं। मैं ना आपको एक बार दिखाता हूँ अपने घर को अंदर से, गैंग को अंदर से। ये मैं उतरा गाड़ी में, गाइस चेक कर सकता हूँ मेरे पास ना एक गन है, ये वाली गन जो है ना मैंने खुद ली थी। अब एक काम करता हूँ मैं आपको ना इस घर का ना पूरा टूर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे अपना होम पे हम लोग जाकर देखो चेक कर सकते हैं हमारा होम लोड होने तो पहले 2 मिनट। हाँ ये हो गया हमारा लोड, गाइस चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर तो मेरे ख्याल से तो वॉशरूम आ गया। वॉशरूम को छोड़ो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गया, इसको छोड़ो हम चलते हैं सीधा इसके अंदर। गाइस ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे हम लोग सो सकते हैं, पूरी गैंग यहाँ पे सो सकती है। और गाइस यहाँ पे भी सो सकती है, ये देखो पूरा यहाँ पे VIP सेटअप हुआ हुआ है, TV देख के बंदा आराम से खाना वाना भी खा सकता है। और गाइस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं भाई कोई खाना वाने को सिस्टम विस्टम यहाँ पे ऐसे ज़्यादातर हम लोग मंगवा देते हैं। और गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भाई शुगर डाल के भूल गया, मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट डाल के भूल गया, अंडे वंडे बना रहा होगा भाई कोई। यहाँ पे तो आम वाम रखे हुए हैं वैसे बड़े अच्छे हैं। और गाय यहाँ पे तो सूप वूप भी रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरा VIP सेटअप है, यहाँ पे बंदा आराम से देख सकता है। मैं काम करता हूँ बैठ कर दिखाता हूँ, ऐसे करके बंदा अंदर से आकर बैठ सकता है और ऐसे करके बैठ सकता है, ऐसे बड़ा VIP सेटअप है यहाँ पे। तो गाय मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।